आपका इंट्रोडक्शन। हम लोग महाराज जी के सेवक हैं और हमारे सतीश वर्मा जी हैं, ये चेयरमैन प्रतिनिधि हैं देवरिया गोरखपुर के बगल में देवरिया जिला के। तो इन्होंने एक मन्नत मानी थी पशुपतिनाथ भगवान को कि हमारे महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी जब सीएम बन जाएंगे यूपी के, तो हम 151 नारियल प्रसाद जो है बाबा पशुपतिनाथ जी को चढ़ाएंगे। और उसी मन्नत को आज हमारे महाराज जी आज मुख्यमंत्री हो गए हैं उत्तर प्रदेश के, उसी मन्नत को हम लोग पूरा करने के लिए आज यहाँ पे श्री पशुपतिनाथ को हिंदू धर्म में सबसे महान माना गया है। अगर इस नेपाल में पशुपतिनाथ नहीं रहे तो नेपाल कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पशुपतिनाथ ही एक हिंदू विचारधारा के हिंदुत्व के वो एक कण है जो हम सपने प्रभावित हैं। और एक हिंदू धर्म के नाते जैसे यहाँ पशुपतिनाथ के लोग यहाँ पर आते हैं अपनी मन्नत मांगते हैं, कई करोड़ों कई लाखों हिंदुओं का मन्नत पूरा होता है। उसी तरह मैंने भी महाराज जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता था और वही मैं पशुपतिनाथ से एक मन्नत मांगी थी कि अगर हमारे परम पूज्य महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए तो मैं 101 नारियल चढ़ाऊंगा। और ये सपना हिंदू हिंदू धर्म के लिए और हिंदुत्व के धाराओं के लिए आज वो सपना पूरा हुआ। और मैं आज इस जो हिंदू धर्म में है कि जो मन्नत मांगी जाती है वो पूरा कर दिया जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ इस मन्नत को पूरा करने के लिए। और मैं यही चाहूँगा कि पशुपतिनाथ से आशीर्वाद दूंगा कि हे पशुपतिनाथ, जिस तरह के मुख्यमंत्री के रूप में दिए हैं वैसे उनको ताकत और बल की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी तानाशाही और देशद्रोही हैं उनसे लड़ने की क्षमता मिले और ताकत मिले। देखिए उसमें जो है हिंदी में क्या बोलेंगे, गोरखनाथ जी हिंदी में गोरखनाथ जी हम बता दें बाबा गोरखनाथ जी हम लोग कहाँ हैं, गोरखनाथ जी यहाँ के राजगुरु थे और जो आपके पृथ्वी नारायण शाह जी थे नेपाल के राजा, उन्होंने जो अखंड नेपाल का वो दिखा था तो बाबा गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से ही उन्होंने अखंड नेपाल की स्थापना की थी। और आज भी नेपाल में बाबा गोरखनाथ जी को राजगुरु मानते हैं। तो हम लोग वही गोरखनाथ जी के तरफ से पशुपतिनाथ जी के यहाँ आए हैं। आज भी हिंदू राष्ट्र की विचारधारा उनका हमेशा कभी भी वो नेपाल के साथ हर समय रहते हैं और रहेंगे। उनकी भूमिका क्या रहेगा, नेपाल अभी तो रिपब्लिक सेकुलर कंट्री है, हिंदू राष्ट्र एस्टैब्लिश करने के लिए उनका क्या रहेगा? वो हर तरह से आप लोग के साथ तैयार हो, हर तरह से वो चाहते हैं कि नेपाल हिंदू राष्ट्र बने और यहाँ राजशाही की स्थापना हो। एक बात जिसे हिंदू राष्ट्र है ना, हिंदू राष्ट्र नेपाल अभी तो धर्म निरपेक्ष हो गया, हिंदू राष्ट्र नहीं है। उसके बारे में जो योगी आदित्यनाथ बार बार नेपाल आते हैं बोलते हैं उसके बारे में भी मीडिया को विस्तृत में बताइए। वो छोटा छोटा हो गया आप बोल रहे हैं ना, वो छोटा छोटा हो गया, वो विस्तृत में बताइए जी। नेपाल हमारे पूर्वजों की है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद भी कहते थे कि गर्व इसको हम हिंदू हैं। पूरे विश्व में एक यही नेपाल था जो हिंदू राष्ट्र का मान्यता प्राप्त थी, लेकिन कुछ अपने ने इस नेपाल के कुछ अपनों ने कुछ देश विरोधियों द्वारा मिलकर कूटनीति करके यहाँ के जितने भी गरीब हिंदू हैं उनको धर्म को परिवर्तन किया गया लालच देकर। उसी चीज़ को देखते हुए हमारे योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश में 2002 में उनकी एक धाराएं चली थी हिंदू युवावाहिनी। वो धाराएं ऐसी थी कि जैसे यहाँ पे अपने नेपाल में भी हो रहा है जिस तरह से क्लाइन हिंदुओं के साथ उत्तर प्रदेश में था, लेकिन उनके आशीर्वाद से उनके कर्मों से उनके ईमानदारी से आज 14 वर्ष के बाद एक उत्तर प्रदेश एक सुखी प्रदेश हो गया है और एक राम राज की स्थापना हुई है। उसी को देखते हुए इस नेपाल को भी नेपाल के जितने भी नगरवासी हैं क्षेत्रवासी हैं ग्रामवासी हैं उन लोगों को भी सामने आना पड़ेगा हिंदुत्व के लिए। और योगी आदित्यनाथ महाराज जी विश्व के
हिंदू के हृदय का धड़कन है, वैसे एक नेपाल भी है। अगर नेपाल हिंदू निषेध हो जाएगा तो इस धरती पे कुछ नहीं रहेगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ यहाँ के नगर के क्षेत्र के जितने भी हिंदू जनमानस हैं, ये अपने धाराएं अपने धर्म को पहचाने। अगर नहीं पहचान पाएंगे तो आने वाला कल जिस तरह शैतानों का आने वाला कल जिस तरह द्वापर त्रेता युग में शैतानों का खौफ हो गया था, उसी तरह आने वाला समय में ये विदेश के लोग देश द्रोही इस नेपाल को खोखला कर देंगे और आने वाली पीढ़ी हम लोग की समाप्त हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ को नेपाल आने प्लान के छ कि छैन? अभी तो उनके ऊपर बहुत सारी भार हो गए, उत्तर प्रदेश में पड़ गया है। जो गंदगी देशद्रोहियों ने वहाँ फैला दी है उसको साफ कर रहे हैं वो। जो साफ करके जब वो खाली होंगे तो यहाँ के जितने भी उनके अपने हैं उनके द्वारा अगर सम्मानित किया जाएगा तो जरूर यहाँ पे आएंगे। हमेशा उनका ध्यान रहता है क्योंकि हार्ट है उनका, दिल है नेपाल। मुख्यमंत्री बनने के बाद में वो पशुपतिनाथ आना चाहते, कुछ सोचा है? हाँ, आएंगे, जरूर आएंगे। एक हिंदू विचारधारा आदमी से ये ना पूछा जाए कि क्या उनकी धाराएं हैं, मैं आपसे कहा हूँ कि हृदय है उनका ये नेपाल। जब भी वक्त मिलेगा उनको वो आएंगे, अवश्य आएंगे वो।